Hey guys, okay, welcome back to my channel. This is Sanidhya. I hope you guys are doing great and safe at home. This video is actually all about how I'm spending my day when it's nothing to do and jab bhi, matlab, you don't feel good, you don't want to step out of your house because obviously it's raining like hell. That's how my day is going on. And right now I'm preparing for my dinner. Yes, सब कुछ preparation कर लिया है and I wanted to show you guys this recipe. ये मैंने अभी recently invent किया है या सीखा है, I don't know. But I hope you guys will like this. So let's introduce you guys. मैं क्या क्या बनाने वाली हूँ, क्या क्या okay. Whatever. So मैं क्या क्या इसमें ingredients use करने वाली हूँ. So I am making a veg pulao. It's very minimal and normal veg pulao but healthy also. रात को जैसे कि normally मुझे रोटी खाना ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैं सोची कि I should have something different today. Already I had a pizza so मेरा ज़्यादा mood नहीं है कुछ खाने का. So I'm gonna go ahead with the veg pulao, जो कि बहुत ही टेस्टी बनता है. अब मैं मुझे क्या तारीफ करूँ, यू नो, बट स्टिल या लेट्स गो. इंग्रेडिएंट्स व्हिच यू नीड इज, यू कैन सी दिस, कैप्सिकम, ऑनियन, चिलीज, कैरेट, टमाटो एंड पनीर, सोया चंक्स एंड थोड़ी सी दिस इज चने की दाल. सो या इट्स हियर, पीनट्स एज वेल. या दैट्स इट. अब ये इसका प्रिपरेशन बहुत ही ईजी है. लाइक मैं राइस लूँगी एंड ये सब कुछ मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी, एकदम ज़रा सा, एंड मैं कुकर में इसे पकाने वाली हूँ. सो आई एम गोना ऐड राइस ऑन दैट एंड दैट्स इट. दो या तीन सीटी के बाद इट विल बी डन. आई शो यू द फाइनल वन बिकॉज इतना पूरा प्रोसेस दिखाना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. इट्स वेरी वेरी ईजी गाइज एंड मस्ट ट्राई दिस एट होम अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो, बट आफ्टर वॉचिंग द फाइनल वन. सो या गाइज जस्ट अभी मेरे घर पे लाइट चली गई है एंड एज यू कैन सी आई हैव लिट सम कैंडल्स क्या बिकॉज ओबियसली लाइट आने का तो हम कैंडल्स ही लिट करेंगे, ऑप्शन क्या है. बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, गिविंग सच एन अमेजिंग कोजी वाइब्स एंड लेट्स सी. सो लाइट आती तो आई विल डू माय स्किन केयर रूटीन प्रॉब्ली, या मैं सो जाऊँ, दोनों में से कुछ भी कर सकती हूँ, आई डोंट नो. बट यू अगर मैं मेरी तरफ कैमरा करती हूँ तो आप लोग मुझे नहीं देख पाओगे, दैट्स व्हाई मैं जो भी बोल रही हूँ ये दिखाती बोल रही हूँ. एंड इट्स लुकिंग सो 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 अमेजिंग, ट्रस्ट मी. यहाँ से इतनी ठंडी हवा चल रही है एंड दिस वॉर्म कैंडल्स. ओके सो गाइज लाइट्स आर बैक. अभी जस्ट लाइट आई एंड एज प्रॉमिस्ड आई एम गोना डू माई स्किन केयर रूटीन बिकॉज बहुत कम टाइम मिलता है स्किन केयर के लिए. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट दिस. आई हैव वेरी मिनिमल स्किन केयर रूटीन एंड मैं बहुत ही मिनिमल स्किन केयर रूटीन करती हूँ. सो लेट्स गो. ओके सो आई जस्ट स्क्रब माई फेस बिकॉज दिन भर मतलब मैं ज़्यादा बाहर तो नहीं गई, बट व्हेन इट कम्स टू स्किन केयर रूटीन आई फील स्क्रब इज द मेन पार्ट एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट बिकॉज योर स्किन स्टार्ट्स फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड जो भी हमारा स्किन है द परफेक्ट स्किन कम्स आउट. सो स्क्रबिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई यूज स्किन रिफाइनिंग स्क्रब नीविया का. This is actually good. This is the best. ये सिर्फ स्क्रब नहीं है, इट इज़ ऑप्टिमल फ्रेशनेस एंड मॉइस्चराइज बैलेंस, वाइटमिन ई एंड हाइड्रा आई क्यू. सो आई रियली लाइक दिस. ये बहुत ही बेस्ट है.
सिर्फ स्क्रब नहीं करता, ऑल्सो मॉइस्चराइज योर स्किन. सो सेकेंड थिंग इज आई एम गोना यूज एलोवेरा जेल. सो दिस इज आयुष का एलोवेरा जेल. यू कैन गेट दिस एनी वेयर. थोड़ा ठंडा है ना, आज बारिश है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी अप्लाई करने का मन नहीं हो रहा बिकॉज इट्स वेरी ठंडा ठंडा. I'm gonna apply it because skin care is must. For at least 2 minutes. Like yeah, at least 2 minutes. And I'm gonna rinse it. So guys, aloe vera gel laga liya maine and I'm feeling a bit dry because after the aloe vera gel thing. But yes. Iske baad हम यूज करने वाले हैं दिस विच इज व्हाट इज दिस या दिस इज विटामिन ई कैप्सूल्स. सो विटामिन ई कैप्सूल इज द बेस्ट ऑप्शन विच हम सब लोग अपने एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं बिकॉज इससे कोई भी हार्मफुल इट इज नॉट एट ऑल हार्मफुल द स्किन केयर. एंड रिसेंटली आई केम अक्रॉस विद दिस एंड आई एम यूजिंग. मुझे ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, नॉट रिसेंटली बट हाँ जब से यूज़ कर रही हूँ आई हैव द बेस्ट रिजल्ट. सो आई एम गोना अप्लाई. दिस थिंग्स आर ये कुछ ऐसे पार्ट्स हैं लाइक बिहाइंड योर इयर्स हियर. जब भी वी अप्लाई एनी ऑफ द ऑयल और समथिंग सो यू विल फील वेरी काम, यू फील वेरी नाइस. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड या सो आई एम गोना स्प्रेड इट सो वेल एंड आई एरिया मे बी बिकॉज आई हैव गॉट वेरी बैड डार्क सर्कल्स एंड आई डोंट नीड दैट. वी शो यू गाइस थोड़े से मसाज विच यू कैन डू टू रिलैक्स योरसेल्फ. ओके सो वी विल स्टार्ट.